प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की जय। परम पिता परमेश्वरी की जय। आनंद कंद लीलाधारी प्रभु सदानंद जी मनमोहन भगवान की जय। परम प्रभु की है ये वाणी। परम प्रभु जल्दी ही सतयुग आएगा, सतपुरुषों का राज बनेगा, पापी नहीं बच पाएगा। ओ पापियों कान खोल कर सुन लो, पापियों कान खोल कर सुन लो, पाप छोड़ कर धर्म पकड़ लो, तभी तू रहने पुरुषों का राज बनेगा, पापी नहीं बच पाएगा। चलो चलिए देखा जा। नारद जी और दुष्कर आओ, इंद्र जी दोनों आदमी दोनों चल दिए वो माहौल देखने के लिए। दुष्कर्मा अपना घुमा घुमा कर दिखाने लगे, ये ऐसा है, ये ऐसा है, इस तरह से दिखाने के बाद जब सब दिखा लिए दुष्कर्मा जी, जब बैठक में गए लोग बैठने के लिए, इंद्र जी बड़े गौरवोक्ति के साथ कहे, क्यों नारद, आप तो तीनों लोग में भ्रमण करते हो, ऐसा मकान कहीं देखे हो? नारद जी के कहे, इसी मकान पर फूल गए, इससे बढ़िया मकान कभी लोमशेर इसी का है, इससे बढ़िया मकान तो अभी लोग सही ऋषि का है। आप तो दुष्कर्मा के जो पल्पेशन था वो हृदय का धड़कन और बढ़ गया, जो हमको ही मरवाएगा छोड़ेगा नहीं, इसी के उपाय से हम बनाना शुरू किए। अरे ये बतला भी दिया किसी से बढ़िया जो है लोमस ऋषि का मोहर है। अब तो हमारी नौकरी तो गई ही गई, कठोरतम दंड के हम भागे भी बने, अब इंद्र हमको नहीं छोड़ेगा। अभी विश्वकर्मा की परेशानी शुरू ही हुई, इंद्र कुछ कहते ही कहते, तब तक सामने एक साधु, सामने से एक साधु गुजरते हुए दिखाई दिया, सिर पर चटाई रखे हुए था, मैट चटाई जो नरसिंह वगैरह का नारियल वगैरह नाखून वगैरह का होता है, वो चटाई ओढ़े हुए वो साधु जो सामने से गुजर रहा था। इंद्र देखे तो कहे, कहते कैसा पागल है साधु है, चलते हुए चटाई जो है चिकना करके सिर पर रख लिया है। अरे जब वो कहीं रख करके बैठता उसको चलते हुए बैठ करके कंधे पर चाहे कहीं एकांत में चाहे कंधे पर कहीं रख लेना चाहिए। नारद जी कहे, हाँ ऐसा तो लग रहा है, तो पूछा जाए इससे कि चटाई तो इस वक्त चिकना करके सिर पर क्यों रखा है, ऐसे फैले हुई चटाई चल रही है, इसको समेट लेना चाहिए इसको। नाग बुलाओ इसको, पूछा जाए क्या बात है। नाग जी अपना बुलाए, पूछा गया कि साधु बाबा, अरे आप ऐसी चटाई तो सिर पे क्यों रखे हो भाई, जब यात्रा कर रहे हो जब चल रहे हो तो चटाई को तो मोड़ करके फोल्ड करके कांख पर रख लेना चाहिए या कंधे पर रख करके अपना चल देना चाहिए, पीठ पर लटका लेना चाहिए इसको। तो साधु बाबा जवाब देते हैं कि बच्चा क्या करे, कई दिन का जीवन है, यही हमारा महल है, यही हमारा बिस्तर है, यही हमारा महल है, यही हमारा सब कुछ है, ताकि हम जो कुछ सब कुछ तो हमारा ही, हमारा महल मकान भी यही है, हमारा वरंडा सब छावन भी यही है, तो हम इसलिए इसको ऐसा करके चल रहे हैं, ये हमारा मकान है, हमारा छज्जा है, ये कुछ कोई ऊपर बात होगी तो ये ऐसा रुकेगा देखेगा कि मान लीजिए कोई चीज है चिड़िया चुड़ी है चाहे कोई बीते कर कुछ भी कर दे, अरे हमारा महल है कुल मिलाकर के, हमारा छज्जा है, ये एक ऐसा साधु है, कई दिन का जीवन है, इसी को अपना महल कह रहा है, इसी को अपना महल कह रहा है, चढ़ाई का ही महल होता है। इंद्र मुझे क्या साधु, अरे ये चढ़ाई का ही महल होता है,
ये चटाई का ही माल है। एक बच्चा कई दिन का जीवन है, कई दिन का जीवन है, दूसरा माल बनावे, कोई कुटिया बनावे। अरे इसी चटाई से, इसी माल से हमारा काम चल जाता है, इसी से हमारा गुजारा हो जाता है। कई दिन का जीवन है कि कुटिया बनावे, माल बनावे। अरे क्या अपना जीवन जानते हो क्या? हाँ हाँ कुछ मालूम है, कुछ मालूम है। कहते क्या जीवन है तेरा? साधु बोलता कि नारद तू ही बता दो ना, नारद तू ही हमारा जीवन बता दो। इंद्र को लगा कि कैसा साधु है ये, नारद कह रहा है कि तू ही हमारा जीवन बता दो। तब नारद जी कहे अच्छा लीजिए, जब ये कह रहे हैं तो हमें इनका जीवन बता दे रहे हैं, कितने वर्षों का है, कह दिन का जीवन इनका है। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 इंद्र बदल जाते हैं शासन करते हुए। इंद्र आए शासन किए चले गए, इंद्र आए शासन किए चले गए, वैसे ब्रह्मा के एक दिन में 14 इंद्र शासन करते हैं और बदल जाते चले जाते हैं, और ऐसे ही ब्रह्मा के एक रात में 14 इंद्र बदल जाते हैं। कुल मिलाकर ब्रह्मा के एक दिन रात में 28 इंद्र बदलते हैं। नारद जब उधर बता रहे हैं कि ब्रह्मा के एक दिन रात में 28 इंद्र आते हैं, शासन करते हैं और समयावधि समाप्त होने पर, पूरा होने पर चले जाते हैं। और उस दिन रात से 30 दिन का महीना, 12 महीने का वर्ष, 100 वर्ष ब्रह्मा जी जीते हैं। जिस दिन रात में 28 इंद्र बदल जाते हैं, उस दिन रात से 30 दिन का महीना, 12 महीने का वर्ष, 100 वर्ष ब्रह्मा जी जीते हैं। और एक ब्रह्मा जी जब शरीर छोड़ते हैं तो इनका एक बाल टूटता है, और अभी इतना बाल टूटा है सीने पर का, अलोमोशन का नाम है, पूरी शरीर बाल है इनके, पंजा से लगाए थे यहां से, अब पूरी शरीर इनके बाल है, सब बाल झड़ेगा तो ये मरेंगे। एक ब्रह्मा शरीर छोड़ेंगे तो एक बाल इनका झड़ेगा, और सब बाल झड़ेगा तब ही मरेंगे, यही इनकी उम्र है। अरे ब्रह्मा एक दिन जब शरीर छोड़ेंगे तो एक बाल झड़ेगा और सब बाल झड़ेगा तो ही मरेंगे, और ब्रह्मा के एक दिन रात में 28 इंद्र बदलते हैं। हाँ हाँ ऐसा ही है। अरे भैया जब इनको कई दिन जीना है, काम मोहल की आवश्यकता नहीं है, तो हम कोई कई दिन रहना है कि हम मोहल बनवाना है। विश्वकर्मा रहने दो, मोहल हमारा बन गया, रहने दो रहने दो, अब हमको मोहल क्या होगा, अब हमको मोहल क्या होगा। तो हम जो आप सभी को समझा रहे थे, यहाँ पर संकेत कर रहे थे, अपने इस झूठे महल को देखने में क्या लगे हैं, अपने झूठे इस नासी तन मन धन को देखने में क्या लगे हैं। अभी तो इसी धरती पर जो है आप जैसे 6 अरब से भी अधिक तन है, 6 अरब से भी अधिक तन है। धन संपदा की बात लिया जाए तो काठमांडू का यदि नक्शा लिया जाए तो उसमें शायद आपका मकान महल बंदी के रूप में दिखाई देगा कि नहीं देगा। कहीं जो दुनिया का नक्शा लिया गया तो पूरे नेपाल का नक्शा नेपाल शब्द लिखने भर का शायद बन पाता है। एक आकाश गंगा का यदि नक्शा लिया जाता है तो सूरज जो है अपने ग्रह मंडल सहित बिंदु के रूप में उसमें दिखाई देते हैं, बिंदु के रूप में, बहुत सूक्ष्म कण बिंदु के रूप में। ब्रह्मांड का नक्शा में तो
ब्रह्मांड का आकाश गंगा में बिंदु के रूप में दिखाई देते हैं, बिंदु के रूप में, जो सूरज से 1,00,000 गुना बड़े बड़े तारे और 1,00,000,000 अधिक तारे एक आकाश गंगा में है, वह आकाश गंगा में बिंदु के रूप में दिखाई देती है। और उन ऐसे ब्रह्मांड असंख्य ब्रह्मांडों का मालिक एक भगवान होता है, उसको पाने में, उसके हो जाने में आप जो है अपना मामूली नाची एक बिंदु जैसे भी आपके तन धन संपदा मोल न रहने के बावजूद में आप उसे ही पकड़ करके बने रहना चाहते हैं, परमेश्वर को नहीं पकड़ना चाहते, परमेश्वर का होना रहना नहीं चाहते। हम तो आपसे बार बार यही कहेंगे, आप काफी मनन चिंतन कीजिए, विचार कीजिए, आचार ध्यान कीजिए, ज्ञान को याद कीजिए, सब कर करा करके अंततः जो है आप फिर निष्कर्ष निकालिए कि आपकी अंतिम और सर्वोत्तम सबसे उपलब्धि क्या है, और जो हो उसमें यथार्थ से आप लगने का सत्यास कीजिए। हम तो आपसे ऐसा ही बार बार कहेंगे, बोले प्रभु परमेश्वर की उसका एकम वो लक्ष्य जो है तो पात्रता परीक्षा में छटेगी और कहेगी कि हम सत्संग सुन रहे, इस प्रकार से जो है हम सभी अपने मुख्य जो लक्ष्य है उसे याद करें, वह यह है जीव का दर्शन उससे अलग आत्मा ईश्वर ब्रह्म का दर्शन और उससे अलग परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म का दर्शन और बातचीत सहित अस्पष्टता परिचय पहचान प्राप्त करते हुए मुक्ति अमरता का बोध प्राप्त करना है, यही इस कार्यक्रम का लक्ष्य, इस सत्संग कार्यक्रम का उद्देश्य जीव का दर्शन, आत्मा ईश्वर ब्रह्म का दर्शन और परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म का दर्शन प्राप्त करना है, मुक्ति अमरता के बोध को प्राप्त करना है, यही उद्देश्य लेकर के हम भी यहां कार्यक्रम करने में लगे हैं, शायद आप सभी भी यहां पर जो उपस्थित हैं इसी उद्देश्य को लेकर के हैं। इस चीज को नित्य प्रति बतलाते हैं, आज भी एक बार कम से कम इस समय बतला दें कि जीव का दर्शन जब कभी भी होता है किसी को तो निधि ध्यासन की अवस्था में ही सूक्ष्म दृष्टि से आप उसे स्पष्टतः जान देख पाते हैं, सूक्ष्म दृष्टि से निधि ध्यासन की अवस्था में जीव को जाना देखा जाता है, इसके पश्चात दिव्य दृष्टि से दिव्य ज्योत रूप ईश्वर को, आत्मज्योत रूप आत्मा को, ब्रह्म ज्योत रूप ब्रह्म को, स्वयं ज्योत रूप सृष्टि को जाना देखा जाता है। जीव जो है सूक्ष्म रूप में होता है, सूक्ष्म आकृति होता है, उसमें रूप तो होता है, आकृति तो होती है, क्रियाशीलता तो होती है, अनुभूतियां तो होती है, दुख सुख सब अनुभूतियां, भूख प्यास दुख सुख की अनुभूति जीव को ही होती है, इन सब अनुभूतियों के बावजूद सूक्ष्म आकृति रूप के बावजूद वह पदार्थ नहीं है, किसी पदार्थ से बना हुआ जीव नहीं है, जीव अपने आप में जो है सूक्ष्म है, वो सबटल बॉडी है, सबटल आई सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म दृष्टि से ही उसे देखा जाता है, आत्मा ईश्वर ब्रह्म
दिव्य ज्योत रूप दिव्य है, उसे दिव्य दृष्टि से देखा जाता है। परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म शब्द रूप तत्व और तत्व रूप शब्द है, उसे जब भी आप मूल रूप में देखेंगे तो शब्द रूप तत्व और तत्व रूप शब्द में दिखाई देगा। उसमें न तो अंधकार होगा और न प्रकाश ही, उसमें न तो जड़ता दिखाई देगी और न तो चेतनता ही, उसे न तो असत्य कहते बनेगा और न तो सत्य ही कहते बनेगा। उसमें न तो कोई नाम रूप स्थान दिखलाई देगा, कोई नाम भी नहीं दिखलाई देगा, कोई रूप भी नहीं और कोई स्थान भी नहीं। ऐसा होने रहने के बावजूद संपूर्ण विलक्षणताएं जो परमेश्वर की होती है वे सब की सब उसमें दिखाई देगी, वो आश्चर्य होगा। हर स्तर पर आपको आश्चर्य ही आश्चर्य लगेगा। इस प्रकार से आपको जब ज्ञान दृष्टि से देखना शुरू करेंगे तब तो आपको उसका श्रेय समझ में आएगा, यानी ये तो संपूर्ण ब्रह्मांडों का आदि स्रोत है, संपूर्ण ब्रह्मांडों का विलय रूप है, संपूर्ण ब्रह्मांडों की उत्पत्ति स्थिति और लय इसी से इसी में है, इसी से है, और अंततः संपूर्ण ब्रह्मांडों का विलय भी इसी में है। इसके कौन समात्र से ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है, आत्मा ईश्वर ब्रह्म की भी उत्पत्ति होती है, शिव शक्ति की उत्पत्ति होती है, दूसरे अंश से ब्रह्मांड स्थित पर कायम रहता है। आप हम सभी भी उसके पहले अंश से उत्पन्न है यह भी देखेंगे, उसी के दूसरे अंश से आप हम सभी जीवित है स्थित है यह भी देखेंगे। साथ साथ वो जो तीसरा अंश है जो वास्तव में परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म जो परम आकाश रूप परम धाम में रहता है, वो उसी तीसरा का उसी का ही तीसरा अंश जो मौलिक रूप है वो ब्रह्मंडल पर ही नहीं रहता है, सब में और सब कणकण में होने रहने का तो बात ही खत्म है। परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म भूमंडल पर ही नहीं रहता है, ब्रह्मांड में ही नहीं रहता है, वो तो इस ब्रह्मांड से भी बाहर यह ब्रह्मांड बल्कि उसके पहले अंश में है, यह ब्रह्मांड ही उसमें है, वह इस ब्रह्मांड में नहीं। आप जब इस प्रकार से देखेंगे वही तब जाकर के आपको लगेगा वही तीसरा अंश जुग जुग में, जुग जुग में जब भूमंडल पर अवतरित होता है तो उसे अवतार कहते हैं। उसका पहला अंश आया संसार में और नाना प्रकार के नाम रूपों में परिवर्तित हो गए, दूसरा अंश भी आया संसार में आत्मा ईश्वर ब्रह्म के रूप में रहने के बावजूद भी, शिव शक्ति के रूप में रहने के बावजूद भी, वो संसार में आते ही माया के क्षेत्र में प्रवेश पाते ही उसकी क्या स्थिति हो गई, परिवर्तित हो गए। जो भी उसका अंश रूप में आया माया के क्षेत्र में प्रवेश पाते ही वो मायाधीन होकर के परिवर्तित हो गया। वह तीसरी इकाई जब भूमंडल पर आई अवतरित हुई, क्योंकि वह मायापति है, माया का कोई प्रभाव उस पर नहीं, माया का कोई प्रभाव उस पर नहीं, वह अपने रूप में तो बरकरार रहा ही रहा, अपने रूप में तो स्थित रहा ही रहा, उससे निकल करके वह
में तो रहा ही रहा, जो उसके अंश थे उसके सामने पड़ते ही अहम भी अपना मूल रूप में हो गया, जो जीव है ज्योतिर्मय सब अपने मूल रूप में हो गया। ये सब मूल रूप अपना जो प्रारंभ में उत्पत्ति के समय परमेश्वर से प्रकट और पृथक होते समय थे, ये तुरंत अपना मौलिक रूप ग्रहण करते हुए फिर परमेश्वर में जाकर के जुड़ गए, मिल गए। अरे उसमें तो कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं, ये जो परिवर्तित थे या फिर अपना ये परिवर्तनीय जो रूप था उसका, इसको बदल करके फिर मौलिक रूप में हो गए, जिस रूप में वो परमेश्वर के साथ थे और फिर वैसा मौलिक रूप ग्रहण करते हुए ये परमेश्वरमय हो गए, परमेश्वर में विलीन हो गए। इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा, ये मात्र सुनने को नहीं, ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा। देखने को ये मात्र सुनने का विषय नहीं है, इसे देखना है, देखना ऐसे ही जैसे आपके बीच में सुनाया जा रहा है, जैसे आपके बीच में रखा जा रहा है, ठीक इसी प्रकार से इसको देखना भी है। इस प्रकार से आप देखेंगे अब तक जो है वेद के मंत्र, गीता के श्लोक, उपनिषद के मंत्र, भागवत महापुराण के श्लोक पढ़ते आए होंगे, और परम तत्व से संबंधित जो मंत्र श्लोक हैं उसका प्रैक्टिकल करेंगे, प्रैक्टिकल आप उसे साक्षात करके पकड़ करके देखेंगे और आपको दिखलाई देगा ये मंत्र जो है प्रैक्टिकल के है, प्रैक्टिकल के लिए, ये श्लोक जो है प्रैक्टिकल के लिए है, प्रैक्टिकल के लिए, मात्र पाठ के लिए नहीं। प्रयोग करके इनके अपने मौलिक चीजों को जानने के लिए है, मूल तत्व को जानने देखने के लिए है, आपको ऐसा दिखाई देगा। बोले प्रभु परमेश्वर की, इस मशीन में जो है भगवान का जो मशीन है इसमें जल डाल दिलाए हैं, ताकि साहब उड़ के चारा कर रहे हैं, परम प्रभु की है ये वाणी, परम प्रभु की है ये वाणी, जल्दी ही सतयुग आएगा सतपुरुषों।